हेलो स्टूडेंट, आज हम एक स्टोरी करने वाले हैं और स्टोरी को भी हम खाली स्थान के जरिए करेंगे। और स्टोरी कौन सी है बेटा? नकलची बंदर। नकलची मतलब होता है बेटा जो आपकी सेम नकल करे, उसे नकल कहते हैं, नकलची कहते हैं। और यहाँ पे नकलची बंदर देखो आपको दिखाए हुए हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे खाली स्थान जो दिए हैं नीचे शब्दों के साथ उसको पूरा करेंगे और कहानी के बारे में जानेंगे। नकलची बंदर। एक पेड़ पर बहुत से डैश थे। देखिए बेटा, पेड़ पे बहुत से क्या थे? बंदर। एक पेड़ पे बहुत से बंदर थे, तो लिखा हमने बंदर। टोपी वाला उस डैश के नीचे सो रहा था। टोपी वाला उस डैश के उस पेड़ के नीचे, तो यहां आएगा पेड़। टोपी वाला उस पेड़ के नीचे सो रहा था। बंदरों ने उसकी सभी डैश पहन ली। क्या पहन ली? टोपियां। तो यहां पे आपने बंदर किया था, पेड़ भी करा था, तो अब आएगा बेटा उसने क्या पहन ली थी बंदरों ने? उसकी टोपियां। तो लिखेंगे हम टोपियां। टोपी वाले ने एक डैश सोचा। टोपी वाले ने एक उपाय सोचा, तो यहां आएगा उपाय। उसने अपनी डैश फेंक दी। उसने अपनी टोपी उसने अपनी टोपी फेंक दी। सभी बंदरों ने भी अपनी टोपियां क्या की? फेंक दी। क्यों फेंकी? क्योंकि वो नकलची बंदर थे। जैसा वो कर रहा था टोपी वाला, वैसे ही बंदर कर रहे थे। तो टोपी वाले ने जब अपनी टोपी फेंकी तो सभी बंदरों ने अपनी टोपियां फेंक दी। डैश ने टोपी उठाई और चला गया। किसने टोपी उठाई? टोपी वाले ने। तो टोपी वाले ने टोपी उठाई, टोपियां, और चला गया। तो फिर से देखें, एक पेड़ पर बहुत से बंदर थे। टोपी वाला उस पेड़ के नीचे सो रहा था। देखें, पेड़ के नीचे सो रहा था। बंदरों ने सभी टोपियां पहन ली। टोपी वाले ने एक उपाय सोचा। उसने अपनी टोपी फेंक दी। सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। और टोपी वाला ने टोपी उठाई और वहां से चला गया। तो ये कौन सी स्टोरी थी बेटा? ये थी नकलची बंदर।